हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रू रिपेयर। सो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम रिपेयर करने वाले हैं सैमसंग का M30, जिसका कॉम्बो यहां पे ख़राब हो चुका है, उसका जो कलर है फेड हो चुका है। तो चलिए आगे का पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सैमसंग का जो डिस्प्ले है ज़्यादातर एमोलेड डिस्प्ले का होता है, और जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों, कस्टमर को कम प्राइस में जो डिस्प्ले चाहिए था, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं RD की ओर से जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आता है, फर्स्ट कॉपी LCD, वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे किस तरह से इसको आपको प्रॉपरली फिटिंग करना है ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो, वो आगे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, मोबाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो सिम ट्रे है उसको निकाल लेंगे, जो कि हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे स्टील ओपनर की मदद से इसके जो बैक साइड है उसको हम ओपन कर लेंगे, बैक पैनल को। तो इसको ओपन करके दोस्तों, ये जो स्टील ओपनर है ये काफ़ी है, क्योंकि ये जो बैक पैनल है दोस्तों ये प्लास्टिक का है, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप धीरे धीरे इसको राउंडली घुमाते हुए, मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, इसको आराम से ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे जो दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर है पीछे के, और उसमें टैप करते हुए आप इसको ओपन कीजिएगा, तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है पत्ता टूटेगा नहीं, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको उंगली से इसको टैप कर देना है, तो ये अंदर रह जाएगा और आराम से जो बैक पैनल है वो निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये ओपन हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसको निकाल लेंगे आराम से। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लैक पोर्शन है ऊपर का, मदरबोर्ड के ऊपर का, उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सारे जो स्क्रू है सारे को हम फटाफट से निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सारा स्क्रू है जो निकल चुका है ऊपर का, और यहाँ पे जो ब्लैक पोर्शन है मदरबोर्ड के ऊपर का, उसको हम आराम से निकाल लेंगे। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो बैटरी कनेक्शन है उसको हम डिसकनेक्ट कर लेंगे। उसके लिए ऊपर का पोर्शन खोलना पड़ता है इस मोबाइल में। यहाँ पे दोस्तों, जो दो पत्ता है आप देख रहे हो, एक है मेन स्ट्रिप जो डिस्प्ले का होता है, और दूसरा है जो चार्जिंग लाइन या माइक का होता है, ठीक है। तो चलिए, नीचे का पोर्शन भी हम सारे स्क्रू को निकाल लेते हैं। जो स्पीकर ग्रिल है उसको निकाल लेंगे, और उसके बाद दोस्तों, उसके नीचे डिस्प्ले का जो कनेक्शन है उसको हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही हम फ्रंट साइड से जो डिस्प्ले है उसको रिमूव कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको दोस्तों फॉलो कीजिएगा, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों, जो TFT LCD और AMOLED में ये जो डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है TFT LCD में। एक्चुअली दोस्तों, TFT या LCD जो भी हो, उसमें LED लाइट्स होते हैं, तो डिस्प्ले थोड़ा सा थिक ज़्यादा होता है, मोटा होता है। और जो AMOLEDs होते हैं उसमें LED लाइट्स नहीं होते, तो इसकी वजह से ये पतला होता है। और इसका जो कलर्स होता है बहुत ही बढ़िया आता है, क्योंकि ये लिक्विड के ऊपर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो कॉम्बो है निकल के आ चुका है, एकदम कागज़ जैसा है डिस्प्ले, और बहुत ही पतला होता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे सारे सेंसर्स भी यहाँ पे काम करेगा, बट जो कॉपी है उसमें थोड़ा बहुत सेंसर्स जो है ढक जाता है, काम नहीं करता है, तो उसकी वजह से कभी कभी दिक्कत आता है। अगर आप अच्छा क्वालिटी का ले रहे हो TFT या LCD, तो उसमें थोड़ा दिक्कत कम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं प्रॉपरली आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसको प्रॉपरली आपको फिटिंग करना है, ताकि ये बाद में जो कॉम्बो है ख़राब ना हो, या उसमें सेंसर सारे काम करें अच्छी तरह से, वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले तो इसको रिमूव करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जो फ्रेम है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें थिकनेस कम होता है, उसके ऊपर अगर आप इसको क्लीन नहीं करोगे तो उसमें भी दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। और जो स्पीकर के ऊपर का, जो जहाँ पे ईयर स्पीकर होता है, उसके ऊपर एक नेट का टुकड़ा होता है, ठीक। कभी कभी जो डिस्प्ले है रिमूव करते हैं हम, उसके साथ वो निकल के आ जाता है, तो उसको आपको अच्छे से देख लेना है कि वो सही से अपने जगह पे है या निकल के आ गया है, तो उसको आपको रख लेना है, बाद में इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भी इसको खोल के रखा हुआ है, बाद में इसको लगा देंगे। तो चलिए फटाफट से इसको क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो कॉम्बो है उसको एक बार चेक कर लेंगे वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, और उसके बाद ही हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से करना है दोस्तों, पूरा वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। Thank you.
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो कॉम्बो है आरडी का बहुत ही अच्छा कलर प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, और इसका जो टच है बहुत ही फास्ट है, इसका रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। हाँ ओरिजिनल जैसा तो नहीं है बट उसमें भी आपको कम प्राइस में इतना अच्छा क्वालिटी मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, तो चाहे तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है तो चलिए इसको करते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्रेम है उसमें जो ग्लू है वो अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम ले रहे हैं जो रबर ग्लू आता है अच्छा वाला, वो ले रहे हैं ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला क्यों अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि इसका जो थिकनेस है डिस्प्ले का ज़्यादा है, तो यहाँ पे ब्लैक अगर व्हाइट वाला जो ग्लू है वो लगाएंगे तो वो गम जो है छोड़ने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है तो इस हिसाब से हम यहाँ पे जो ब्लैक ग्लू है वो यूज़ करेंगे। खाली एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जहाँ पे फ्रंट कैमरा या जो ईयरपीस होता है सेंसर वगैरह होता है वहाँ पे आपको ग्लू नहीं लगाना है, और नीचे की ओर जहाँ पे पत्ता होता है कनेक्शन डिस्प्ले का जिस तरफ लगेगा नीचे की ओर वहाँ पे थोड़ा सा जो ग्लू है कम लगाइए। ठीक है और इसमें दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जो डिस्प्ले है उसमें हम प्रोटेक्शन वगैरह लगाते हैं ताकि जो पत्ता है वो ख़राब ना हो जाए, तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। सो प्लीज़ ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों ग्लू अप्लाई होने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ईयरपीस के ऊपर का जो नेट का टुकड़ा होता है ना, एक प्रोटेक्शन लेयर जिसके बात में हमने पहले किए थे, तो वो हम अभी अप्लाई कर देंगे, इसको लगा देंगे अपनी जगह पे। ठीक है उसको पहले तो साफ़ कर लेना है, उसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से साफ करके इसको लगा देना है। ठीक है और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ग्लू हमने लगाया हुआ है फ्रेम में उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के सूखना है मतलब 30-40 सेकंड तक इसको सूखना है, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ठीक है उसके बाद ही हम डिस्प्ले को लगाएंगे, और इस टाइम पे हम दोस्तों क्या करेंगे, जो नया वाला कॉम्बो हमने लिया हुआ है उसमें थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन लगा देंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी स्टिकर्स वगैरह है सारे को हम हटा देंगे। ठीक है तो उसको हटाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टेप आता है दोस्तों वो आप यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे आप चाहे तो जो सेलो टेप आता है वो भी यूज़ कर सकते हो, या आप चाहे तो रेड टेप जो ग्राउंड टेप आता है आर्थिंग वाला वो अलग से आपको मिल जाएगा मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे, तो वो आप खरीद सकते हो, वो सबसे बढ़िया है। कभी कभी हम अगर वो अगर नहीं होता है हमारे पास तो हम टेप भी यूज़ करते हैं। तो आप कुछ इस तरह से जो डिस्प्ले का पत्ता है उसके नीचे आप उसका जो जड़ होता है वहाँ पे आप एक टेप अप्लाई कीजिए, और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, टेप अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो पत्ता है उसको जो डिस्प्ले के साथ जोड़ देंगे, फिनिशिंग कर देंगे। ठीक है तो उससे क्या होगा दोस्तों, ये बढ़िया से फिटिंग होगा। ठीक है और उसके बाद दोस्तों एक और स्टेप करना है, क्या करना है आपको, वही वाला टेप जो है वो डिस्प्ले के पत्ते के ऊपर मैं जिस तरह से कर रहा हूँ यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, उसी तरह से यहाँ पे एक या दो टेप आपको लगा देना है। ठीक है उसको लगाने के बाद दोस्तों एल शेप में आपको उसको रैप कर देना है, तो इससे क्या होगा ये आराम से इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा और फिटिंग में भी बढ़िया आएगा। तो आप यहाँ पे इस जगह को आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे की ओर जो पत्ता का प्रोटेक्शन है वो तो हमने कर दिया है, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये जो डिस्प्ले होता है थोड़ा सा थिक ज़्यादा हो जैसे कि मैंने आपको बोला था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह का जो टैप आता है डबल टैप ब्लैक वाला वो हम यूज़ करेंगे साइड में, कुछ इस तरह से आपको इसको लगा देना है, एक ही टेप लगाना है। ठीक है और उसके बाद दोस्तों जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको आप निकाल दीजिए, उसके बाद देखिए ये एक ग्लू का काम करेगा, और उसके कभी कभी कंप्लेन आता है डिस्प्ले की साइड से लाइट रेज होता है वो नहीं होगा। ठीक है तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इसको दोनों ओर एक एक लगा देना है, तो उससे फिटिंग्स भी बढ़िया आएगा और लाइट भी रेज नहीं होगा, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले है वो कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड हो चुका है, फिनिश हो चुका है, तो यहाँ पे गम भी जो है थोड़ा सा सूख चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे इसको अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम क्या करेंगे, डिस्प्ले की जो पत्ता है उसको इन करेंगे और ऊपर की ओर से स्लाइड करते हुए इसको बिठाएंगे। ठीक है तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये आराम से ये फिनिश होके अंदर ये इन हो जाएगा। ठीक है कुछ इस तरह से कर देना है, और उसके बाद दोस्तों हम इसको नीचे प्लेन सरफेस में रख देंगे, और इसके जितने भी कनेक्टर्स वगैरह है उसको हम जोड़ देंगे अच्छी तरह से, और जो हमने ब्लैक पोर्शन खोला हुआ था ऊपर का और स्पीकर ग्रिल का वो सारे को लगा के हम स्क्रू लगा देंगे। ठीक है यहाँ पे प्रॉपरली ये चीज़ करना है आपको, और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अंदर कोई धूल मिट्टी या जो डस्ट या कोई छोटा सा पार्टिकल रह ना जाए कांच का टुकड़ा वगैरह, नहीं तो कभी कभी बैटरी में लग के वो लीक भी हो सकता है। ठीक है तो उसको आप ध्यान कीजिएगा, उसको चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद दोस्तों हम बैक पैनल को इसमें लगा देंगे अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद। ठीक है और उसके बाद दोस्तों एंड में एक और चीज़ आपको करना है जिसकी मदद से लास्ट में ये जो फिनिशिंग है काम पूरा होगा। ठीक
यहाँ पे दोस्तों कम्प्लीटली फिट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, जहाँ जो गडर्स वगैरह आते हैं रबर वगैरह, उसकी मदद से दोस्तों कुछ इस तरह से हम इसको बांध लेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये कॉम्बो जो है इसके साथ जो जब तक ये गम सूखता नहीं है तब तक ये फ्रेम के साथ अच्छी तरह से चिपका रहेगा, हिलेगा नहीं। और बाद में जब अब इसको आपको करीब करीब इसको आधे घंटे से लेकर एक घंटे तक रखना है, तो इससे क्या होगा ये सूख जाएगा अच्छी तरह से और ये बाद में बढ़िया सा फिनिशिंग आएगा, ठीक है। तो बाद में इसको खोल सकते हो आप, अभी के लिए ये इसको इस तरह से लगा के आपको रख देना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।